आ जाइए देखते हैं इस कहानी की ओर कि पुण्य की जड़ भला पाताल तक कैसे हरी है। तो किसी शहर में सुना एक अरे राजा रहे सदाचारी, किसी शहर में सुना एक राजा रहे सदाचारी, और सुबह से लेके शाम तलक ब्राह्मण को दान करे भारी। किसी शहर में बड़ा ही दयालु एक राजा हुआ, जिसका काम था सुबह से शाम तक दान करने का। जो भी ब्राह्मण आकर के कोई कविता सुनाता था उसे दान दिया करता था वो राजा। ऐसा ही नहीं, दिन दिन ब्राह्मण अत सुखी भय धन, दिन दिन ब्राह्मण अत सुखी भय धनवान सभी दिखलाते थे। कविता अपनी कह करके मोह मांगा इनाम पाते थे। दोस्तों, राजा के दरबार में जो भी ब्राह्मण जाया करते थे और अपनी कविता जब सुनाया करते थे तो वो ब्राह्मणों को दान दिया करता था। लेकिन दिनों दिन वो ब्राह्मण धनवान हो गए। एक ऐसा ब्राह्मण था जो कुछ जानता नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने उस ब्राह्मण से कहा कि महाराज, आप यहां बैठे रहते हैं, राजा सबको दान देता है, राजा कुछ कविता सुना करता है, क्या तुम कुछ नहीं कह सकते हो? और वो कहने लगी पत्नी अपने पति से, बैठी पति के पास करी अरदास भूप ढिंग जइयो, और जाओ बीच दरबार रे कोई बात अरे सुनइयो। जो एक ब्राह्मण बड़ा सीधा था, सज्जन था, राजा के पास तक नहीं जाता था, वही एक गरीब रह गया, सब धनवान हो गए। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने इशारा किया और जवाब दिया कि महाराज चले जाइए। बैठी पत के पास करी अरदास भूप ढिंग जइयो, भूप ढिंग जइयो, और जाओ बीच दरबार में कोई बात अरे सुनइयो। और मिले तुम्हें धन माल लौट तत्काल, पास मेरे आइयो, पास मेरे आइयो। अरे होई गरीबी दूर न बिलम लगाइयो, होई गरीबी दूर न बिलम लगाइयो। जवाब दिया उस ब्राह्मणी ने अपने पति से, ये कहा कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो महाराज को कोई बात सुना देते हैं, इनाम लेकर के घर चले आते हैं, और तुम आनंद के साथ रहते हो, जाओ तुम भी कोई बात उनसे कह देना, तुम्हें भी इनाम मिल जाएगा, ये गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण कहने लगा, माफ करना, हम तो कुछ जानते भी नहीं हैं, भला हम क्या कहेंगे जाकर के वहां। और वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे तब ब्राह्मण ने कहियो वाणी, ब्राह्मण कहने लगा पंडितानी, माफ करना, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, हमें महाराज को कविता क्या सुनाएंगे। कविता हमने जानी, कहे कौन सी बात रे बखानी। जवाब दिया कि हम क्या कहेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं जानते हैं। ब्राह्मणी कहने लगी, जाओ
अगर तुम नहीं जानते हो तो हम जो बात तुमसे कहें वो महाराज से कह देना। उस ब्राह्मणी ने कहा, ब्राह्मणी कहने लगी, जाओ राज दरबार, हम जो तुम्हें सिखावत ही कहियो पिया हमारे, ब्राह्मण ने जब ये कहा कि हम कविता के मामले में तो बिल्कुल नहीं लहे, हम इस मामले में कुछ भी नहीं जानते हैं, गाना बजाना आता नहीं है, और भला हम क्या सुनाएंगे, कैसे इनाम मिलेगा हमें। तब ब्राह्मणी ने कहा कि तुम ऐसा करो, कुछ मत कहना, केवल दरबार में जाकर के और राजा से ये कहना कि महाराज पुण्य की जड़ पाताल हरी, देखेंगे वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। चला गया ब्राह्मण और दरबार में बैठा रहा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी जो राजा के पास पहुंच जाता। अब जो भी ब्राह्मण जो अपनी बात सुनाते हैं, इनाम लेकर के चले आते हैं, वो बैठे रहे बैठे रहे। अरे पूरो दिन गाओ, बीत गुइया साम हो न कोई आई, दरबार में अरे पूरो दिन गाओ, बीत रे जब शाम हो न कोई आई, और ब्राह्मण रह गए ये करे। सब ब्राह्मण तो दान लेकर के चले गए, अकेले बोई दरबार में बैठे रह गए। अरे ब्राह्मण रह गए ये करे, राजा ने नजर घुमाई, जब केवल एक ही ब्राह्मण रह गया, महाराज ने देखा कि दरबार तो ब्राह्मणों से खाली हो गया, लेकिन ये ब्राह्मण आज कोई नया आया है और न जाने क्यों बैठा है। तुरंत अपने पास बुला लिया, महाराज कहो तुम अपने मन की बात, कैसे अपन भयो तुम्हारो हुई आई अब रात, सोई हाथ जोड़ी ब्राह्मण ने भोरन बात बताई है, सोई हाथ जोड़ी ब्राह्मण ने भोरन बात बताई है। जैसे ही अकेला एक ब्राह्मण जब रह गया, तो महाराज ने अपने पास बुलाया और जवाब दिया, केवल हमें यह बताओ कि तुम क्यों आए हो, सुबह से आए हो, शाम हो गई बैठे बैठे, तुम अपनी बात बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। जब इतनी बात कही कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो ब्राह्मण को जानते थे नहीं, और तुरंत ही अपने पत्नी की बात याद आ गई और कहने लगे, महाराज क्या बताएं, बस वो ही बात है कि पुण्य की जड़ पाताल हरी। और जो इतनी बात राजा ने सुनी, उनके दिमाग में न जाने कौन सी बात आ गई और कहने लगे, ऐसा करो, इस ब्राह्मण को जितना भी दान और लोगों को मिलता है उससे इसे दूना इनाम दे दो। वो राजा, अरे राजा दिल में गौर साई, दूनों इनाम दो है गाई, राजा ने जब ये बात सुनी ब्राह्मण की के पुण्य की जड़ पाताल हरी, अब तो बड़ा खुश हुआ, इतना मगन हुआ, उसने ये कहा कि जितना इनाम मिलता है और लोगों को, उससे बढ़कर कैसे दे दो, ऐसा ही नहीं, अरे राजा दिल गौर हर साई, दोनों इनाम दो पकड़ाई। अब पहुंचे पास ब्राह्मणी के जाई, देख के नारी के गई है सिहाई, दोस्तों अब तो जैसे ही ब्राह्मणी के पास वो धन दौलत लेकर के पहुंचे हैं, बड़ी खुश हुई वो पंडितानी और कहने लगी, महाराज देखो तुम जाया नहीं करते थे, अब तुम कुछ भी मत कहना महाराज से, केवल इतनी बात कहना और हमेशा ये गरीबी दूर बनी रहेगी। धीरे धीरे दोस्तों वो दिन भी आ गया कि वो दिनों दिन बढ़ते चले गए और ब्राह्मण जलने लगे, सोचने लगे कि इसे इतना बड़ा इनाम क्यों दिया जाता है। दिन दिन बेदूने बढ़े, वो जो बाद में उन्होंने बात बताई थी वो ब्राह्मण,
खिसी आई और किसी तरह से नीच को सो नीचो देव दिखाई। दोस्तों याद रखना, हर इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे को सुखी देख करके हर प्राणी दुखी हो जाता है। न जाने संसार में क्या होने जा रहा है। और दूसरे ब्राह्मण ने जब देखा कि इसे तो रात दिन इनाम ज्यादा मिलता चला जाता है, अब कोई ऐसी बात बने जो इसे मरवा दिया जाए। मगर मैं तो यही कहता हूं कि हे कलयुग महाराज, तुम्हारे शासन में कि अब सांचन की कदर ना, झूठन के सत्कार, अब सांचन की कदर ना, झूठन के सत्कार, काउ को न लेके देवे तासे कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार, साहू को बतावे चोर चोर बने साहूकार। ऐसा ही नहीं, विप्र भय विद्याहीन, क्षत्रिय भय बलहीन, वैश्य भय लोभी कामी, शूद्र भय पराधीन, चारों ही वर्ण निज धर्म से भय छीन, तप गयो तेज गयो बुद्धि है गई मलीन। सब कुछ बदल गया। और ऐसा ही नहीं मुन्ना लाल, अरे मित्रन के ऐसे छात मिल मिल के घात करे, तुम करो नेकी उल्टी दगा प्यारे साथ करे, माल मारे जाल डारे हान दिन रात करे, ठगाई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करे, अब सधवन पे वस्त्र नाए विधवा श्रृंगार करे, नारी छोड़ी पति देव अंत जो घरवार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़ी वैश्य से प्यार करे। ऐसा ही नहीं, अरे बेटी नाचे बाप देख रहे, अरे बिटिया नाचे बाप देख रहे, तनिक नहीं शरमाए रे कलयुग के जमाने, तने कैसे खेल दिखाए रे कलयुग के जमाने। ध्यान रखना दोस्तों, सांचन की कदर ना झूठन के सत्कार, काउ को न लेके दे तासे कहें होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार, और साह को बतावे चोर चोर बने साहूकार। सब कुछ बदल गया। तो हर इंसान कलयुग में अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे को सुखी देख करके सगा भाई भी सगे भाई से दुखी हो जाता है। तो दोस्तों इधर वो ब्राह्मण जाति के जितने भी लोग थे वो ये सोचने लगे कि इसे कोई उलझन में उलझाया जाए जो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक ब्राह्मण पहुंच गया राजा के पास और कहने लगा, महाराज तुम्हें मालूम है जो तुमसे ये दान ले जाता है और ये कह जाता है कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, आज ऐसा करो इससे ये पूछ लो कि पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है, और अगर न बता पाए तो इसे फांसी लगवा दीजिए। बोला वो ब्राह्मण, सुनो मेरे महाराज, बताना आज ये कमम बानी, पुण्य की जड़ पाताल हरी है कैसे तुमने जानी। पूछो पंडित से आज, अरे महाराज न करो न गिलानी, न करो गिलानी, इतनी सुनी बुलवाई लाए पंडित ज्ञानी, इतनी सुनी बुलवाई लाए पंडित ज्ञानी। दोस्तों तुरंत ही महाराज से जब यह कहा कि आज इस ब्राह्मण से केवल यह पूछ लो कि इसका मतलब क्या है, और अगर न बता पाए तो इसे फांसी लगवा देना, चला गया। और जाने के बाद तुरंत ही पंडित जी को बुलाया राजा ने और कहा कि पंडित जी तुम रोज यह कह जाते हो कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, बताओ ना कैसे हरी है। बोले कि कहिए पंडित महाराज, आज एक बोही बात बतानी है, जवाब दिया पंडित जी, तुम्हारे ही सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है। कहा पंडित जी महाराज, आज एक बोही बात बतानी है,
और पुण्य की जड़ पाताल हरी, ये कैसे तुमने जानी है। जवाब दिया पंडित जी, केवल हमें यह बताओ, तुम जो कह जाते हो कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, वो कैसे हरी है आप बताइए। भरे आज दरबार में पंडित और दीजे जवाब बताई है, नहीं कल सवेरे 8 बजे तुम्हें फांसी दे लगवाई है। राजा ने कहा कि ये बताओ पंडित जी, पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है। अब उन्हें जो तो जवाब मालूम नहीं था, पंडितानी ने बता दिया था कि केवल ये कह देना कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, और कुछ भी नहीं मालूम था, बता नहीं पाए। तो राजा ने ये कहा कि जाओ और जो कुछ खाए हो सो खाए ली हो जाए, कल सुबह 8 बजे तुम्हें फांसी लगवा दी जाएगी। दोस्तों, दूसरे ब्राह्मण जितने भी थे बड़े खुश हुए, सोचने लगे चलो ठीक है, कल सवेरे मारा जाएगा, कहानी खत्म। इधर अब पंडित जी को भोजन तक अच्छा नहीं लगा, घर आ गए, पंडितानी पूछने लगी, कहिए पंडित जी क्या हुआ, उदास कैसे हो। जवाब दिया पंडितानी, मैंने तुमसे कहा था कि हमें दूर रखो राजा से, और तुमने जबरदस्ती हमें भेज दिया, लेकिन अब कल सुबह मुझे फांसी लगेगी 8 बजे, और जल्लादों से यह कह के चले गए राजा कि सुबह 8 बजे जो भी आ जाए उसे पकड़ करके फांसी लगा देना। राजा का हुक्म कैसे कोई टाल सकता था वहां, यह कहा कि सुबह 8 बजे जो भी आ जाए उसे पकड़ के फांसी लगा देना, और वो चले गए। पंडितानी ने जब जसुनी के महाराज जो पंडित जी हैं उनकी सुबह फांसी है, तो बोली मरे काय को जातो, फांसी सवेरे है, अबे थोड़ो ना अबे काय को प्राण छोड़े दे दो, ऐसा करो महाराज। अरे कहे पंडितानी पंडित जी धीरज धर ले मन में, पंडित जी बोले बड़े अच्छे तरीका से अपने भीख मांगे लात, हम जो जानते हैं खूब अच्छे तरीका से कि तू का गौर के चक्कर में है, ताज़ा तूने मरवाए के जे काम करे हैं, अब हम सुबह मारे जाएंगे। पंडितानी बोली तो सवेरे ही तो मारे जायो, परेशान मत हो अबे तो काय को मारे जा। कहे पंडितानी पंडित जी धीरज धर ले मन में, और फांसी कल सवेरे हुई है, ए फांसी कल सवेरे हुई है, मरे जाता क्यों घर में। तसल्ली देती हुई पंडितानी ने यह कहा कि फांसी तो कल ले हुई है, परेशान ना हो। महाराज पति को भोजन रही कराई, कटी रात का जब आंगन में भोर हो न गवाई, सोई लेके छोटा पंडित जी द्वारे से चल दीने, सोई लेके छोटा पंडित जी द्वारे से चल दीने। दोस्तों, पूरी रात तो जैसे कुछ बीती वैसे बीती, सवेरो जैसे ही बहुत तुरंत ही पंडित जी ने सोटा उठाया और भाग खड़े हुए कि हमें 8 बजे फांसी लगेगी, तो पंडितानी ने पकड़ लिया। और जवाब दो महाराज एक बात बताओ, अब फांसी से ऊपर कौन सी सजा है, अब 8 बजे पहुंच जाओ तो फांसी हो, 11 बजे पहुंच जाओ तो फांसी हो, संजा को जाओ तो फांसी हो, तो अबे तो काय को मरे जा, तो अब फांसी तो होने ही होने है, रोटी वोटी खा लो बड़े ढंग से नहाए के तब जाओ। अब ये पंडित जी को पंडितानी टाइम लगाती नहीं, और ये कहा कि तुम भोजन कर लो उसके बाद जाओ, और तब तक ऐसा हुआ कि वो ही चुगला 9 बजे जैसी घड़ी में जो राजा से जब कह आओ तो कि जैसे जब पूछियो कि पुण्य की जड़ कैसे पाताल हरी है, सुबह बजे तो वो गौबान ने सोची कि अब मरो जा तो ये तो चलो देखें कैसे मरेगा, कहानी खत्म हो उसकी। तो वो चला, ये पंडितानी पंडित जी को बातन में बहकाए नहीं, और बू चलो जो कह के आओ तो सो। चुगिला पंडित घर अपने रहो है खुशी मनाई, अरे मोसे आगे बढ़ गयो मैंने फांसी दई बुलबाई।
तुरंत भागा और 8 बजे की जगह 9 बजे पहुंचा। और जब 9 बजे बू पहुंचो, जो चुगला राजा को विद्या बताए के आओ तो सो जद देखने के लिए गयो कि अब भाई फांसी लग गई हो। जल्लाद बोले बड़ी देर में आए, 8 बजे को टाइम और 9 बजे। जैसे ही ये सुना के 9 बजे ये तो पंडितानी, उन्हें पंडित जी को बातन में बहकाए नहीं। अब बिन्ने जब जसुनी तो वे भाजे और उनने की भैया हम नहीं है, दूसरा था, हम नहीं है, फांसी दूसरे को लगेगी। जल्लाद बोले ये हमें कोई मतलब नहीं, राजा ने ये कहा कि 8 बजे जो भी आ जाए उसे पकड़ के फांसी लगा देना, 1 घंटा तुम लेट हो गए। जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़ने के बाद दोस्तों अरे पकड़ के फांसी दई लगाई। क्या था विधि का विधान? लगवाने के लिए कहलाया था उसी को पकड़ के फांसी लगाई गई। जल्लाद बोले 1 घंटा लेट आए और कानून ने कर रहे। दोस्तों धन्य धन्य जगदीश, धन्य तेरी माया, तेरी लीला या परंपर पार नहीं पाया। क्या है भगवान की विचित्र लीला, निर्धन को करे भूप, बनाए दे राजा को कंगाल। इसलिए दोस्तों काउद न माटी में मिल जावेगी, जब सोने सी हवेली, काउद न माटी में मिल जावेगी, सोने सी हवेली। इधर जो दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा था उसी में खुद ही जाकर के समा गया। दोस्तों जल्लादों ने उसे मार दिया। और ये अब धीरे धीरे जब घर में 11 बज गए तब पंडितानी से बोले पंडित जी क्या जाने नहीं दोगी, राजा नाराज हो जाएंगे। पंडितानी बोली तो फांसी तो ज्यादा कोई लंबी सजा तो ना है, फांसी तो ही हो है, ऐसा करो अब जाओ और लंबो से तिलक लगाए के कमंडल हाथ में पकड़ के। और पंडित जी जब आगे बढ़े, लेकिन दोस्तों 11 बजे पंडित चले, जब लंबो तिलक लगाई फांसी के लिए, बोली उठे जल्लाद से मोई फांसी देव लगाई। जल्लाद के पास पहुंच के पंडित जी ने कही कि अब हमें फांसी लगा दो, भैया हम लेट हो गए, 8 बजे का टाइम था लेकिन 11 बज गए। जल्लाद कहने लगे माफ करना, फांसी तो लगनी थी उसे लग गई, तुम क्यों परेशान हो, ऐसा करो तुम जाओ। दोस्तों तुरंत वहां भेज दिया। राजा ने जब यह सुना कि इन पंडित जी को फांसी बुलवाई गई लेकिन ये जिंदा है, कहने लगे एक बात बताओ पंडित जी तुम कैसे जिंदा रह गए। पंडित जी बोले महाराज बस वही बात है, पुण्य की जड़ पाताल हरी। अब दूसरा षड्यंत्र रचा गया उनके लिए। पंडित जी जब बच जाते हैं और ये कहा कि एक बात बताओ अब क्या होना चाहिए, इसका जवाब हमें कैसे मिल सके, तुम तो बच गए भाई, अब जवाब हमें कैसे मिले कि पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है। तो पंडित जी ने यह कहा कि महाराज हमारी औरत बता देगी इस बात को। औरत बताएगी तो बुलाओ औरत को। औरत को जब बुलाया गया तो औरत पहुंची, पंडितानी जब पहुंची और राजा से एक बात कही कि महाराज पुण्य की जड़ पाताल हरी हम बता तो देते लेकिन हम नहीं बताएंगे। फिर जोड़े दोनों हाथ सुना नर नाथ के अरज हमारी, और बतलई है बन में रहती है के बहने अरे तुम्हारी। पंडितानी ने यह कहा कि माफ करना,
हम इस बात का जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी बहन एक वन में रहती है, वो इस बात का जवाब देगी। तो राजा कहने लगे कि हमारे बहन तो कोई है ही नहीं, मैं तो माँ बाप का अकेला लड़का हूं। जवाब दिया, नहीं, वन में चले जाओ, वन में तुम्हारी बहन रहती है। तुम रथ को लो सब्ज भाई, रथ को लो सब्ज भाई, न देर लगाओ के बढ़ो यगारी। तब हुई है शंका दूर करना था तुम्हारी, हुई है शंका दूर करना था तुम्हारी। पंडितानी ने ये कहा, वन में चले जाओ और वन में तुम्हारी बहन इस बात का जवाब देगी। इतनी बात सुनने के बाद नए राजा ने देर लगाई है, फौरन से ना सजवाई है। ना राजा ने देर लगाई है, फौरन से ना सजवाई है। पहुंचे दिक्कत बनी में जाई है, युना आसन तयो न भाई है। पंडितानी ने जब यह इशारा किया कि महाराज माफ करना, इस सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जंगल में एक तुम्हारी बहन रहती है, उस बहन से जाकर के पूछ लेना। राजा ने मना किया और यह कहा कि हमारे तो बहन कोई है ही नहीं। कहने लगी, नहीं, तुम्हारी एक बहन है, उसे जाकर के पूछ लेना। फौज लेकर के महाराज जब चले, वन में पता लगाते लगाते पहुंच गए और सोचने लगे कि इस सवाल का जवाब हमें सुनना बहुत आवश्यक हो गया। अब हम जरूर पूछेंगे कि ये कैसे पुण्य की जड़ पाताल तक पहुंच जाती है। तो वहां जब पहुंचे और उस लड़की ने जैसे ही आते हुए राजा को देखा वन में, तुरंत उठ करके खड़ी हो गई, तपस्या कर रही थी। और खड़ी होने के बाद राजा से बोली, राजा कुछ कह नहीं पाए, उससे पहले लड़की कहने लगी, अरे कहा भूप तुम कौन रे के भेजो है पंडितानी। लड़की से कोई बात नहीं कह पाई और तब तक वो लड़की कहने लगी, आइए भैया, क्या तुम्हें पंडितानी ने मेरे पास भेजा है, एक जो सवाल लेकर के हमारे पास आए हो, बैठो, बताएंगे, जरूर बताएंगे। भूप तुमको भेजो है पंडितानी, और पुण्य की जड़ पाताल हरी के तुमने यवहु न जानी। महाराज सुनत ही भूप गए दहलाए, और मैंने कछु कहे न पाई, दीनी बात बताए। सोई हाथ जोड़ सतबादी हाय बहना से बोलो है, सोई हाथ जोड़ सतबादी तब बहना से बोलो है। जैसे ही राजा पहुंचे, पहुंच भी नहीं पाए, उससे पहले लड़की कहने लगी, आइए महाराज, तुम्हें पंडितानी ने भेजा है, ये सवाल लेके आए हो कि पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है, बैठो। राजा असमंजस में फंस गए, सोचने लगे, जब हमने कोई बात नहीं कही, कोई परिचय नहीं दिया, और इसने कैसे जान लिया कि हम राजा हैं, और कैसे जान लिया कि हम कौन सा सवाल लेके आए हैं। बैठ गए और कहने लगे, कहो बहन, हमें बताया है कि तुम इस सवाल का जवाब दे दोगी, हम बड़े व्याकुल हैं, बड़े परेशान हैं, हमें केवल ये बता दो कि पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है। तो लड़की बोली, बता तो देते लेकिन बताएंगे नहीं। क्यों? जवाब दिया, हम नहीं बताएंगे, तुम अपने घर चले जाओ। और लड़की बोली, तो मैं अपने घर को जाओ और सवाल को मैं न बताऊंगी। कहा, इस सवाल को अगर मैंने बताया तो तुम्हें दुख होगा, तुम्हें कलेश होगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, घर चले जाओ, दूसरा तुम्हें कोई बताएगा। कौन बताएगा? तो लड़की ने कहा, तुम अपने घर को जाओ, सवाल को मैं न बताऊंगी, हो बैगो दुख दिल में सारी कथा सुनाऊंगी। कहा कि तुम चले जाओ। अरे वहां ही समय आईनी को मिले सवाल को जवाब जाल,
ए मिले सवाल, मिले सवाल को जवाब डाल, मिट जावे बुद्धि को। जरा सी बात के पीछे यहां तक भाग रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे राज्य में तुम्हारे महल के पीछे एक घर है, उस घर में चले जाओ और वहां अरे वहां एक बेटा जन्मे वो, और घड़ी दो घड़ी जिंदा रह के वो मर जावे वो। वही तुम जवाब बतलावे रे, वही तुम्हें ज्वाल बतलावे, तुम जइयो बा के पास, तुम्हें फौरन वो सटकावे। कहा कि एक जरा सा बालक जो जन्म लेगा तुम्हारे बगल वाले घर में, अब लड़का पैदा होने के बाद घड़ी दो घड़ी जिंदा रहेगा और मर जाएगा, लेकिन तुम पहले से पहुंच जाना और वो ही लड़का तुम्हें देख करके पहचान लेगा और सारी बात बता देगा, हम नहीं बता पाएंगे। अब महाराज बड़े असमंजस में फंस गए, सोचने लगे कि जरा सा लड़का जन्म लेने के तुरंत बाद हमें जवाब बताएगा, ऐसा तो असंभव है, चलो ठीक है देखते हैं। तुरंत चले गए और जौन सा दिन उन्हें बताया था कि उस दिन लड़का पैदा होगा और इतने वक्त पर पैदा होगा, सो वैसा ही निकल गई, कहीं ऐसा ना हो जो पैदा हो जाए फिर खत्म हो जाए और हमारा जवाब भी ना मिल पाए। अरे दिल चिंता के बढ़ गई उनके भारी, सोचने लगे कि जरा सा बालक जवाब देगा मुझे, अरे दिल चिंता बढ़ गई भारी, और कब इच्छा भरे रे हमारी। भोजन तक है दौरे बिसारी। सज्जनों अब तो इसी फिकर ही फिकर में, इसी चिंता में उन्होंने भोजन तक छोड़ दिया और सोचने लगे कि हमें सवाल का जवाब कैसे मिलेगा, जहां जाते हैं वही बढ़ा देता आगे और कह देता है कि जाकर के उससे पूछ लेना, उससे पूछ लेना। अब बीतो समय कछु और लगा कर गौर सुनो नर नारी, ओ आओ समय नजदीक रे राजा ने कीनी तैयारी। जो लड़की ने दिन बताया कि उस दिन लड़का जन्म लेगा तुम्हारे बगल वाले घर में, वह चले जाना। जब वो समय आया तो वो तुरंत ही राजा चले, समय कछुआर लगा कर गौर सुनो नर नारी, आओ समय नजदीक रे राजा ने कीनी तैयारी। और उस गरीब के घर में पहुंच गए, अरे पहुंचा गरीब घर जाए सुनो चितलाई झुके नर नारी, किस कारण से घर आए गए हैं सताधारी, किस कारण से घर आए गए सताधारी। राजा अपने सिपाहियों को लेकर के और गरीब के घर जाकर के पहुंच गया, उसी दिन जो टाइम बताया था उस टाइम से 2 घंटा पहले ही पहुंच गया कि कहीं ऐसा ना हो जो लड़का पैदा होने के बाद मर जाए और हमें जवाब भी न मिले। 2 घंटा पहले से ही पहुंच गए, गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए कि राजा आज गरीब के घर क्यों आए हैं। कहा कि महाराज कैसे आना हुआ, जवाब दिया कि यहां पर एक लड़का जन्म लेगा और वो लड़का हमारे सवाल का जवाब देगा। गांव के लोग बोले हमें लगा दीजिए ना कि तुम मत कटी, एक जरा सा बालक अब भला क्या जवाब दे सकता है। अब गांव की बहुत लंबी भीड़ हो गई, लेकिन जो लड़की ने समय बताया था ठीक उसी समय पर लड़के का जन्म हुआ और जब लड़का पैदा हुआ उठ करके तुरंत बैठ गया और
जो औरतें थीं उनसे ये कहा, पैदा होते ही होते उस लड़का ने कहा, राजा यहां आए हुए हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बुला करके मेरे पास ले आओ। जो इतनी बात सुनी, राजा भागते हुए वहां पहुंचे कि लड़के का जन्म हो गया। और जब वहां पहुंचे, हाथ जोड़ करके राजा कहने लगे, बेटा हमें माफ करना, हम तुम्हारे पास कुछ आस लेके आए। जवाब दो, आस का लेके आए हो? वन में जो लड़की रहती है उसने ही तो तुम्हें भेजा है। अब बड़े असमंजस में सोचने लगे कि ये तो जरा सा बालक पैदा होते ही होते और बताने लगा कि वन से, चलो बताओ। कहने लगे, बताएं क्या, तुम केवल ये पूछने आए हो कि पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है। तो देखो मैं बता रहे, हम ज्यादा देर तो नहीं जिंदा रहेंगे, हम ऐसे ही मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, लेकिन तुम हमारे सगे भाई हो, और जो बन के बीच में लड़की रहती थी वो हमारी तुम्हारी सगी बहन है, और जो पंडितानी ने ये बात कही थी वो तुम्हारी स्त्री है। अब मैं बता रहा हूं कि पुण्य की जड़ कैसे पाताल हरी है। तो वो लड़का जवाब देने लगा, महाराज कि बात कोई बड़ी नहीं है कि तुम सगे हमारे भाई हो और बहना जो वन में रहती है। कहा कि कुछ पूर्व जन्म के संस्कार तप ज्वाला में वो जलती है। जो बहन वन में तपस्या कर रही है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से तपस्या कर रही है। तुम राजा बन गए हो लेकिन पूर्व जन्म में तुम हमारे सगे भाई थे, लेकिन घर में बड़ी गरीबी थी, बड़ी गरीबी थी। लड़का बोला, तुम सगे हमारे भाई हो बिना जो वन में रहती है, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार जो तप ज्वाला में जलती है। पंडितानी से बात भाई तुम्हारी और वो ही नारी तुम्हारी है। अब सुनो हकीकत तुम सारी, हम कह रहे कथा अगारी है। जवाब दिया लड़का ने कि अब सुनो, पंडितानी तुम्हारी औरत थी, तुम हमारे भाई हो, बहन हम दोनों की बहन थी, और हम तो जिंदा होते हैं मरते रहते हैं। बात यह थी कि हम तुम तीन ही आदमी थे घर में, एक बहन दो भाई, माता पिता जो थे। अरे बारे पे मरे पिता महतारी, पूर्व जन्म में जरा सी उम्र पर माता पिता साथ छोड़ के चले गए। अब मैं बता रहा हूं कि पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है। भैया बारे पे मरे पिता महतारी, घर में आई गई लाचारी, बन के दर दर फिरे भिकारी, लेकिन नहीं भाई गुजर हमारी। बताया यहां तक हुआ कि माता पिता खत्म हो गए, उसके बाद में दर बदर भीख मांगने लगे, लेकिन गुजारा नहीं हुआ। और जब गुजारा नहीं हुआ, यहां तक हुआ कि छह छह दिन तक भोजन नहीं मिलता था, लकड़ियां बेच बेच करके हम लोग गुजारा किया करते थे। बोले लकड़ी बन से बीन अन्न लाते थे, जैसी हिस्सा में पड़े बाट खाते थे। इतनी बड़ी गरीबी थी, पेट नहीं भरता था, लकड़ियां बीन के जैसा कुछ मिल जाता था भूखे रह जाते थे, लेकिन सब लोगों में संगठन था जो बांट करके खा लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ, महाराज का जीवन बन गया दुखदाई, और छह दिन हुए गए बीते अन्न मिलो नाई भाई। अब तो मारी भूख से बहना आई आंगन में बिलखानी, अब तो मारी भूख से बहना जब आंगन में बिलखानी। लड़का ने यह कहा कि देखो महाराज,
बड़ी गौर से सुनिए कि पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है। जब 3 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना, पूर्व जन्म में घर में कुछ भी नहीं था, इतने दुखी थे, लाचार थे, मजबूर थे, कोई अपने पास नहीं बैठने देता था। किसी के घर चले जाते थे तो लोग भगा देते थे कि ये रोटी खाने के लिए यहां तक आया है, यहां तक गरीबी आई। एक दिन की जिक्र भ्रात, भोजन का नहीं सहारा था, और 3 दिन हुई गए भूख से हुआ न कहीं गुजारा था। भोजन दूर रहा, पानी तक नहीं मिला हम बहन भाइयों को। उसके बाद अरे भीख मांग तुम ही लाए, लड़का बोला तुम ही भीख मांगने गए थे, भीख मांग तुम ही लाए, सब दिन मेहनत करके भारी, और नारी तुम्हारी ने आंगन में करी भोजन वाली तैयारी। जवाब दिया, सारे दिन तुम्ही ने भीख मांगी और तुम आटा लेके घर आए हो तो तुम्हारी औरत ने भोजन बनाया, और जैसा कुछ हिस्सा में पड़ा, भरपेट भोजन तो नहीं मिलता था, जैसा जैसा हिस्सा में पड़ा सबने बांट लिया। लेकिन भैया बात एक और थी, जवाब दिया, जब कुछ नहीं मिलता है, भूख भेड़िया पेट भरन को सूखे हाड़ चबाता है, उसमें तो कुछ नहीं भी मिलता, केवल मतलब केवल मन को बहलाता है। कहा कि जब 3 दिन से भोजन नहीं मिला और तब तुम्हारी औरत ने वो भोजन बनाया जो तुम भिक्षा लेकर के आए थे, फिर ऐसा हुआ कि अपने अपने भाग को बांट करके बैठ गए, खाना खा नहीं पाया था, तब तक द्वार पर एक महात्मा आकर के रोने लगा, और महात्मा भूख से परेशान जब रोने लगा, अरे भूखो एक महात्मा बोलो द्वार पे है आयो, हम तुम तो भूख से परेशान थे ही, भोजन खा नहीं पाया, खाने बैठे ही थे, तब तक एक महात्मा आ गया, भूखो एक महात्मा तोले द्वार पे है आओ, और हाथ जोड़ के सब से रेखे बाने वचन सुनाओ। जब वो महात्मा हम लोगों को रोटी पकड़े हुए देखा, आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगा कि भैया अगर हो सके तो इसमें से थोड़ा सा भोजन मुझे दे दो, मेरी जान जा रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन महाराज भूख से बदन गाओ सब सूखे, मैं पुराने सन्यासी पे हुई गई मारी चूक, भैया वह कर्म को भोग आज हम जीते मरते हैं, भैया वह कर्म को भोग आज जो जीते मरते हैं। कहा जब महात्मा रोने लगा, भूखे तो हम सब लोग बैठे ही थे, लेकिन महात्मा ने यह कहा कि कुछ भोजन इसमें से हमें दे दो जो हम पानी पी लें, तो हम उस महात्मा के पास खड़े थे, हमने उस महात्मा को मारा और यह कहा कि तुम मरते नहीं हो, अरे हम खुद ही लोग परेशान हैं, खुद ही भूख से दुखी हैं, और तुम मरते जीते यहां तक चले आए। तो महात्मा के मुंह से यह निकल गया कि बेटा अब खैर हम तो मरते जीते आए ही हैं, लेकिन तुम मरोगे जियोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, बस वो ही एक समस्या है जो हम जन्म लेते हैं और घड़ी दो घड़ी जिंदा रहते हैं मर जाते हैं। भैया सच यह है, और बताया कि आज जो बहन तपस्या कर रही है, उस बहन ने यह कहा कि तुम ढोंग पाले हुए घूम रहे, सन्यासी बन गए भीख मांगने के लिए,
और भीख मांगने के लिए महात्मा हो गए हो पेट भरने के लिए, लेकिन तुम पर मरा नहीं जा रहा है जो वन में जाकर के कहीं तपस्या करो। केवल इसी बात के पीछे आज वो मरी जा रही है, रात और दिन तपस्या किए, परेशान है। और लेकिन तुमने दया दिल करी, देर नहीं करी के संत बुलाओ। भूखे तो थे ही सब लोग, लेकिन तुम ही भीख मांग के लाए थे, तुम्हारे हृदय में रहम आ गया था। तुमने दया दिल करी, देर नहीं करी के संत बुलायो। और अपनो हिस्सा दे दो रे, नहीं तुमने विलम लगाओ। हम तो सब लोग महात्मा का अनादर करते रहे, तुम्हारी औरत ने भी पहले मना कर दिया कि हम खुद ही भूख से दुखी, हम नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारे हृदय में संतोष था, तुमने अपने भोजन को उठा करके महात्मा को दे दिया और कहा कि भैया तुम खा लो, हम आज भरे में नहीं मरे जा रहे, सुबह फिर भीख मांग के ले आएंगे, तुम खा जाओ। अरे तुमने दया दिल करी, देर नहीं करी कल संत बुलाओ रे, संत बुलाओ। अरे अपनो हिस्सा दे दो रे, नहीं तुमने बिल्कुल खाओ। माफ करना महाराज, हम तो अपनी करनी भुगत रहे हैं, जो जीते हैं और मरते हैं बहन उधर तपस्या में लीन है, और बस तुम ही ने ये जो पुण्य किया। अरे बहे पुण्य पाताल के माला मालक हरि ने बनाओ। केवल एक वही पुण्य की जड़ है जो आज तुम किसी बात से दुखी नहीं हो, लाखों रुपए का द्रव्य लुटवा रहे हो महाराज। वह पुण्य पाताल के माला मालक हरि ने बनाओ। अपने अपने कर्मन के फल को पाओ, अपने अपने कर्मन के फल को पाओ। लेकिन ध्यान रखना मुन्ना लाल, कर्म की रेखन तारे तरे और कर्म कुकर्म सुकर्म करावे। कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म विमान पर स्वर्ग पठावे। कर्म भिकारी को भूख करे और कर्म ही भूख पर भीख मंगावे। अरे कर्म बिचारी प्रदेश कहे है कर्म ही साथ कर्म करावे। अब देश पर तो परसों पीतम लेवे आवे गो तू सांची मान सहेली, परसों पीतम लेवे आवे गो तू सांची मान सहेली, परसों पीतम लेवे। कहा जो भी बात थी वो ये थी कि तुमने तो वो पुण्य किया है जिसकी जड़ पाताल तक हरी, ऐसे ही है भैया जो तुम लाखों रुपए की दौलत लुटवा रहे हो, लाखों इंसान तुम्हारा चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं, लाखों सम्मान कर रहे हैं, लाखों तुम्हारा हुक्म बजा रहे हैं, और हम तो ऐसे ही जिंदा रहते हैं और मरते हैं, बस कुछ भी नहीं, केवल कर्म का फल भुगत रहे हैं। उसी समय बताया कि तुम्हारी औरत ने पहले मना किया था, इसलिए उसने पंडितानी बनने के बाद पंडित के साथ गरीबी उठाई, और उसके बाद उसने जब देखा कि ब्राह्मण का इस महात्मा का पेट नहीं भरा हमारे पति के भाग से, उसने अपना भी हिस्सा बाद में दे दिया, उस महात्मा का पेट भर दिया, और इसलिए कष्ट उसने भी उठाए, उसके बाद तुमने उसे इनाम दे करके आज धनवान बना दिया। जो भी बात थी वो हमने तुम्हें बता दी। पहले मन करी नारी ने और बाद में दया बिचारी है, अपने हिस्सा से याद हो भोजन की परसी थारी है। पंडितानी ने यह भूल की, पहले तो महात्मा से मना कर दिया, फिर देखा कि महात्मा भूखा रह गया तो अपने भोजन में से आधा भोजन महात्मा को दे दिया, आधा खुद खा लिया, जिसलिए उसने दुख उठाए और आज तुमने इनाम दे दे करके धनी बना दिया। सो ही पंडितानी जो गरीबी में गुजर चलाई है, आधे हिस्सा की दौलत तुम पंडित के हाथ कहाई है। इसलिए बिले है बार बार भैया मत ना अभिमान करो, हम सब तो कल को भोग भोगी,
तुम दो तन से दान करो। कहा कि हम तो अपने कल का यानी बीते हुए कल का भोग भोग रहे हैं और तुम सब लायक हो इसलिए तुम दान करो। इसलिए भैया हम जा रहे हैं अब। अरे पुण्य की जड़ पाताल लो ऐसे भ्रात हरी है। उस लड़का ने कहा महाराज ए पुण्य की जड़ पाताल लो कैसे भ्रात हरी है। हम सब बन गए निर्मोही रे के तुमने दया करी है। बताया कि पुण्य की जड़ पाताल तक केवल ऐसे ही हरी है कि हम सब निर्मोही बन गए, तुमने दान दे दिया भूखे रहने के बाद भी, इसलिए आज तुम उसका भोग भोग रहे हो और हम भी भोग भोग रहे हैं। महाराज समय अब मेरा हुआ और इतनी दर से ज्यादा जग में कभी न टिक पाओ। सोई भरे आखिन में नीर पुत्र ने बात सुनाई है। सोई भरे आखिन में नीर पुत्र ने बात बताई है। दोस्तों जिस समय लड़का आंखों में आंसू लेकर के कहने लगा है कि महाराज मेरा समय तो पूरा हो चुका है, हम तो यूं ही जन्मते और मरते रहेंगे सारी जिंदगी, अब हमें यहां से जाने दीजिए। इतने वचन कहने के बाद इतनी कह कर के गिरो धरती और मिथ्या संसार को छोड़ दिया। के पास से भैया ने निर्मोही बन मुख मोड़ लिया। इधर दोस्तों महाराज बड़े दुखी हैं, लड़का उधर खत्म हो जाता है, लौट करके अपने घर चले आते हैं सवाल का जवाब सुनने के बाद। मगर माफ करना सीसन बिना झुकाए सोबे चाहे जुलफिया हो छविदारी और बिना दान के करना है सोबे चाहे घड़ियां बांध हजारी। भारतीय संस्कृति के लोक संगीत की माला में अनगिनत सुरीले मोती हैं, जैसे रामायण माता की भेंटे, भोजपुरी गीत।